नमस्ते, आज माने सर, मैं करजावकर सर, पायगन सर, दातिर सर, देशमुख सर, वैभव चौहान सर, इतने प्राइम मीडिया यहाँ पे हैं। हरिहर, विशाल, उसके अलावा हमारे मांडवकर सर, हमारे योगी जी, हमारे पिंपलकर सर, नितेश, मैं पूरा लिस्ट थोड़ी पढ़ूंगा। हम ये सेलर सर ये कहना चाहते हैं, मैं भी मुझे लगता है इसलिए उन्होंने शशिकांत, सागर, बहुत लोग यहाँ पे बहुत सीरियस नोट पे सबने चर्चा की सांग सर के साथ, क्योंकि हमारी भी परिस्थिति खराब है, आप लोगों की भी परिस्थिति खराब है और इसका एक ही सॉल्यूशन है, पैसा। सांग सर को हमने सीधा आके बोला पैसे का क्या हो बताओ। सांग सर ने बहुत सारी बातें बताई जिसमें वो क्यों डिले हुआ, किसकी डेथ हो गई थी, फिर क्यों डिले हुआ, किस का अप्रूवल हुआ। आज उन्होंने पेपर नहीं दिए क्योंकि उनका कहना है कि हमने NDA साइन किया है और हम ये सीक्रेसी ओपन नहीं कर सकते, बट उन्होंने इतना कहा कि 4 जुलाई 2024 गुरुवार का दिन दीक्षा प्रोकॉन के नाम पे 3000 करोड़ का सैंक्शन है कि नहीं, आप देख सकते हो आपके सोर्सेस हो तो। जो उन्होंने बताया वो मैं मेरे लेवल पे मेरे पास जो सोर्सेस है मैं भी वेरीफाई करूँगा, जिनके बाकी के सोर्सेज आपके हो तो आप भी वेरीफाई करो। अगर ये सच पाया जाता है तो हम सबका भविष्य सुरक्षित है, ठीक है। सांग सर का कहना है कि ये मंथ एंड या 5 दिन या 10 दिन, मगर आगे पीछे पकड़ के 5-10 अक्टूबर तक ये पैसा मैं लेके आऊँगा जो भी है, बट मेरा एक अनुभव ये कहता है कि ऐसे चीज़ों में आगे पीछे होता है, बट वो अभी बात करने का कोई मतलब नहीं है। अगर हो रहा है तो होने पे ही सोचते हैं, ठीक है, नेगेटिव इस पे जाते नहीं है। जो लोग ये देख रहे हैं वो भी दिक्कत में है, हम भी दिक्कत में हैं, और ये भी बात सही है कि सांग सर उनकी माँ भी दिक्कत में है, क्योंकि जो लीगल नोटिस गई वो मीरा आई के नाम पे गई और मीरा आई का मतलब सांग सर के ऊपर आना है। लवेश सर को भी लोग सुना रहे, गालियां दे रहे, मंगेश सर को सुना रहे, धीरज सर को सुना रहे, हम सब आज एक भयानक परिस्थिति में हैं और ये भयानक परिस्थिति से निकलने का एक ही रास्ता है कि पैसे। सांग सर बहुत कॉन्फिडेंट है और उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये सब सच है, जेन्यून है। अगर जेन्यून है तो हम हमारे लेवल पे वेरीफाई करेंगे और हमको अगर मालूम पड़ा कि ये जेन्यून है, कहीं अटक रहा है, तो हम सब ताकत लगाएंगे। नहीं मालूम पड़ा कि भाई ये फ्रॉड है तो ठोक के बोलेंगे भी कि ये फ्रॉड है। और फिर उन्होंने दो ऑप्शन बनाए कि भाई कंपनी का टेक ओवर कर, मतलब कंपनी का 51% स्टेक लेने को कोई और तैयार है, बट वो देना मतलब कंपनी बेच देना है, आप लोगों का भी नुकसान होगा, हमारा भी नुकसान होगा, सबका नुकसान होगा, मतलब MCL का भी नुकसान होगा, लोगों का भी नुकसान होगा, तो 51% स्टेक वो नहीं देना चाहते। बट वो ऑप्शन भी उन्होंने बोला कि हमने वर्कआउट करके रखा है। तो आज ये ऑडियो ना बनाते हुए वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि इतने लोगों ने सांग सर से मीटिंग की है, फोटो भी लोगों ने आई थिंक शेयर किए हैं, हमने कोई डॉक्यूमेंट नहीं देखे, ये ठोक के बता रहा हूँ, मगर सांग सर ने पूरा स्टोरी बताया। कुछ चीज़ें किशोर भाई को पता है तो वो मुझे बताते रहते, मैंने जो वेरीफाई कराया था उसमें वो और मुझे पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिले थे तो मैं टेंशन में था। आज जो डॉक्यूमेंट का तारीख और नाम मिला है वो हम सब वेरीफाई करेंगे, जब तक वो वेरीफाई हो जाता है तब तक कम से कम मैं और मेरे साथ जितने लोग हैं वो शांति से बैठेंगे, क्योंकि पैसे में ही सबकी जीत है और भगवान करे पैसा आ जाए। हम सब ये मैंने अभी एक उदाहरण कहा कि एक होती है जन्म देने वाली माँ और एक होती है पालने वाली माँ। जन्म तो सांग सर ने इस कंपनी को दिया मगर पाला हम सब ने, आप लोगों ने, हम सबके सपने इसके साथ जुड़े हैं, सबके सपने जुड़े। कल को MCL बड़ा होने के बाद मैं हूँ नहीं हूँ वो मायने नहीं रखता, बट जब तक MCL स्ट्रगल में है तब तक मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरी कोशिश है कि मैं इसको निकालूँ, ठीक है। तो आप सबसे भी एक ही हाथ जोड़ के विनती है, हमने बहुत संघर्ष किया है, बहुत तकलीफ झेली है, एक 15-20 दिन और हम साथ देते हैं, और मीनवाइल हम वेरिफिकेशन के प्रोसेस में कोशिश करते हैं कि हमको ये पता चले कि ये जेन्यून है कि नहीं। अगर जेन्यून है नो टेंशन, जेन्यून नहीं है तो फिर कंपनी बेचने पड़ेगी, तो कंपनी बेचे मगर लोगों को पैसा दे। और उसके लिए भी सांग सर ने प्रिंसिपली कहा है कि मैंने बात करके रखी है, बट ऐसी जोबत नहीं आएगी क्योंकि श्योर अबाउट द फंड, और इसीलिए वो अभी तो कोई फंड नहीं ले रहे। तो ये पूरा आज का मैसेज है, ये आप लोगों को मिलना चाहिए, हम बता रहे हैं। आई थिंक माने सर कुछ कहना चाहेंगे। कार्तिक सर ने जो कहा अभी आप लोगों के सामने, हमारे सामने सिर्फ एक ही रास्ता है कि सांग सर के ऊपर विश्वास रखना, क्योंकि हम जो जिस सोच से हम लोग साथ में आए हैं,
और जिस सोच के लिए हम लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं वो सोच जो है वो बहुत बड़ी है, क्योंकि इसके वजह से ही, ये सोच के वजह से ही हम सबका भला होने वाला है। नहीं तो ज़िंदगी तो अपनी तो अभी ऐसे ही जी रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन श्याम सर ने लाया, और मैंने बार बार मेरे मीटिंग में भी मैंने कहा है कि ये होना बहुत ज़रूरी है। जो सर जिस सेक्टर के बारे में सर बता रहे हैं, जो बायोफ्यूल सेक्टर, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो सेक्टर है, तो और श्याम सर ने जो भी फंडिंग के लिए जो भी अभी फंडिंग स्टेटस तो रेगुलरली फ्राइडे सेशन में बता रहे हैं, और वो बहुत, जैसे कार्तिक सर ने कहा कि बहुत कॉन्फिडेंट है, आज भी उनका कॉन्फिडेंस नज़र आया, और हमें हमें फेथ जो है हम लोग रखा है और भी रखना चाहिए। और जैसे 15-20 दिन का जो जो है इसी दरमियान पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। अब और, हाँ। और एक बात की जो फंडिंग का पैसे भरने का रिक्वायरमेंट था, वैभव चौहान सर और मुझे लगता है गोगे सर की मदद से वो भी उन्होंने करके दिया है, और अगर वो रिक्वायरमेंट भी लगभग इन्होंने हेल्प की है, तो मैं इन दोनों को एक्चुअली धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, नमन वंदन भी करना चाहता हूँ, और इनको एक्चुअली मैं ताली बजा के एप्रिशिएट भी करता हूँ। इस संघर्ष के समय में इन्होंने कंपनी को मदद की है, और अगर वैभव सर भी कुछ दो सब कहना चाहे तो जरूर। मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो फंडिंग का जो प्रोसेस हो रहा है और उसके लिए जो फीस भरनी थी उसका जो पूरा अमाउंट था उसका जो अरेंजमेंट है, मैंने और गोहे साहब ने और भी बहुत से लोग हैं उन्होंने मिलके अरेंजमेंट किया है, और वो पूरा हो गया है ऑलरेडी, वो हमारे पास फंड है और उसकी कोई चिंता नहीं है। जैसा ही अभी आज की मीटिंग में सर ने बोला है कि हम जो है इस मंथ एंड तक या आगे 5-10 दिन लग सकते हैं, उसके दरमियान जो है पूरा फंडिंग का जो है हम प्रोसेस पूरा करके फंड लेंगे, तो आप सभी को रिक्वेस्ट है कि हम जैसा अभी तक साथ देते आ रहे हैं वैसा ही सभी को साथ देना जरूरी है। धन्यवाद। तो इम्पोर्टेंट यह है कि या तो फंड आ जाए या डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाए, मतलब सोर्स। तो उन्होंने एक प्रॉपर हिंट दिया है कि ये नाम, ये तारीख, ये वार, ये समय, ये डॉक्यूमेंट आप जाओ आपके कॉन्टेक्ट है तो वेरीफाई करो। तो अगर हमारे कॉन्टेक्ट है तो हम करेंगे, और अगर सच हो गया तो बात खत्म, टेंशन ही नहीं है। और फंड आ गया तो भी वेरीफाई करना, हाँ RBI से, और अगर फंड आ गया तो भी बात खत्म। तो अभी ये सुनने के बाद कुछ लोग बोलेंगे आप मिले हुए हो, आप सब बिके हुए हो, आप भला अपने लेवल पे, आप ढेकना हो, ठीक है, तो हम तो ये ठोकेंगे वो करेंगे। टेक्निकली कोई गलत नहीं, लोग कोई अपने मन से नहीं बोल रहे, फ्रस्ट्रेशन में बोल रहे हैं, समझते हैं लॉजिकली, बट अभी हमारे पास भी आपको इससे ज़्यादा कहने को कुछ नहीं है। आपको क्या योग्य लगता है आप करो। शाम सर ने बोला अगर मेरे पास पुलिस आएगी, मेरे पास कोर्ट से नोटिस आएगी तो मेरे पास क्या हो मैं बताऊँगा, ठीक है, तो वो आपका निर्णय। हमारा है कि हम और इतने साल जब हमने जीवन के दिए तो मैं 20-25 दिन और दूँगा। मीनवाइल प्लान बी के तहत हम वेरिफिकेशन में भी जाएंगे, अगर जेन्यून हुआ तो कहा निकल। तो बस यही है, माँ भगवती से, धरती माता से, भारत माता से यही प्रार्थना है, यही मतलब कह बोलते दिल की ख्वाहिश है कि ये सक्सेसफुल हो जाए, बस कैसे भी करके। और बस बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभम।